मैं स्नेहा मनोज और आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेश 24। आइए नजर डालते हैं आज के टॉप 10 खबरों पर। वैक्सीनेशन लॉन्चिंग में मोदी की आंखें झलकी, पीएम ने कहा सैकड़ों साथी लौट कर घर नहीं आए, हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाकर कर्ज उतार रहे हैं। रक्षकों को टीका की सुरक्षा, लेह में तैनात आईटीबीपी के 20 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई, इनमें 2 महिला अफसर भी शामिल। टीका से भागेगा कोरोना, मोदी बोले 3 करोड़ लोगों से दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू, दूसरा डोज लगवाना ना भूलें। वैक्सीनेशन पर राजनीति, कांग्रेस का सवाल टीका भरोसेमंद तो सरकार क्यों नहीं लगवा रही, स्वास्थ्य मंत्री बोले यह हमारी संजीवनी। 45 दिन की ठंड बाकी, छत्तीसगढ़ के जसपुर में जमी बर्फ, पंजाब में 3 दिन शीतलहर का अलर्ट, 10 मीटर रह गई विजिबिलिटी। कोरोना देश में लगातार 9वें दिन 20,000 के नीचे रहा नए संक्रमितों का आंकड़ा, 15 राज्यों में 100 से कम मरीज मिले। किसान आंदोलन से जुड़े 20 लोगों को एनआईए का समन, इन पर खालिस्तानी समर्थक होने का आरोप, किसान नेता बोले 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के डर से ऐसा कर रही है सरकार। 11 राज्यों में फैला बर्ड फ्लू, छत्तीसगढ़ में 10,000 मुर्गियों को मारा गया, पंजाब में भी संक्रमण के संकेत मिले। बिहार में टीकाकरण का शुभ मुहूर्त हुआ फेल, 10:45 की जगह 11:15 के बाद IGIMS के सफाई कर्मी राम बाबू को लगा राज्य का पहला टीका। बिग बॉस 14, कंटेस्टेंट को धमकी देने के लिए भाजपा नेता सोनाली फोगाट पर भड़के सलमान खान, बोले बाहर की धमकी दोगी तो क्या कर लोगी आप। टॉप 10 खबरों में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ प्लस 24 के साथ। नमस्कार।